तनय माने पुत्र, तनिया माने पुत्री। पर उर्मिला जी को तुलसीदास जी पुत्र नहीं, पुत्री नहीं कह रहे। सो तनय, ऐसा क्यों लिखा? जानकी जी को तनिया, उर्मिला जी को तनय। तुलसीदास जी कहते हैं कि उर्मिला जैसी बेटी को बेटी कहना उचित नहीं। उर्मिला बेटी नहीं है, बेटा है महाराज। कुछ बेटियां ऐसी होती हैं, जैसे मैंने कहा था डॉक्टर राधानंद जी की बेटी वास्तव में बेटा है। कुछ बेटियां ऐसी होती हैं जो बेटों की तरह होती है। और पिता भी सीना ठोक कर कहता, महाराज ये मेरी बेटी नहीं है, ये मेरा। ऐसी बेटियां, तुलसीदास जी कहते हैं कि उर्मिला जैसी बेटी को बेटी कहना उचित नहीं है। इतना त्याग, तपस्या, क्या कहें, सर्वगुण संपन्ना है उर्मिला जी। संपूर्ण जीवन साधना में गया, बहुत अच्छी वीरांगना है, बहुत अच्छी साहित्यकार हैं, बहुत अच्छी चित्रकार हैं, बहुत अच्छी चित्रकला की विशेषज्ञ हैं, बहुत अच्छी संगीतज्ञ हैं, क्या कहना उर्मिला जी। इनके समान वीरांगना नहीं है कोई। 14 वर्ष तक जो अपने पति की प्रतीक्षा करती रही, और जिनके सतीत्व में कितनी शक्ति थी कि 14 वर्ष तक वो दीपक भी जलता रहा जिस दीपक से आरती उतार कर पति को विदा करना था। माला के पुष्प भी नहीं मुरझाए, चंदन भी जस के तस सुगंधित रहा। क्या कहना, इतनी बड़ी वीरांगना थी। हनुमान जी महाराज ने जब आकर समाचार बताया कि लक्ष्मण जी मूर्छित है, सब लोग चिंतित हो गए। पीछे खड़ी उर्मिला आगे आ गई और माता सुमित्रा से कहा, मां मुझे आदेश दो, मैं जाती हूं और दुष्ट रावण के 10 शीशों को काटकर अपनी दीदी के चरणों में समर्पित कर दूंगी, मुझे आदेश दो। सुमित्रा ने कहा, बेटी पीछे हट, पीछे, क्या कह रही है। चक्रवर्ती अवध नरेश की पुत्र वधु रणभूमि में युद्ध करने जाएगी। उर्मिला जी ने हाथ जोड़ करके कहा, मां ये परंपरा पुत्र वधु प्रारंभ नहीं कर रही है, ये परंपरा तो सासों ने ही शुरू की है। जब महाराज दशरथ के दिग्विजय युद्ध में रथ की धुरी टूटने पर केकई अपनी उंगली लगा करके उन्हें विजय प्रदान करा सकती है युद्ध भूमि में जाकर, तो क्या मैं युद्ध भूमि में जाकर के अपने पति के प्राण नहीं बचा सकती। मुझे आदेश दे, मुझे आदेश दे। बड़ा प्रयास किया। अब चिंता मत करो, मम सौभाग्य अखंड है, सिंदूरी रंगला, ये मारे मांग की चमक है ना। स्त्री के सौभाग्यवती होने का प्रतीक है ये सिंदूर मांग का। माथे की बिंदी, पैर के बिछिया, गले का मंगलसूत्र, ये बताता है कि ये सौभाग्यवती है। मेरे सिर की सिंदूर की चमक देखो मां, और ये चमक बता रही है कि मेरा सौभाग्य अखंड है, आप चिंता मत करो।
ऐसी वीरांगना जो युद्ध भूमि में युद्ध करने रावण से जा रही हो, उसको उस ऐसी वीरांगना को क्या बेटी कहना उचित है? आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।